आईपीएल 2020 का फाइनल मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच हो चुका है कंप्लीट, यानी कि पहले इनके हाइलाइट में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस ये बनने वाला बहुत ही ज्यादा मजेदार, तो गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीएल 2020 का फाइनल का टॉस दिल्ली कैपिटल्स जीत चुकी थी, और दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया था। दोस्तों बात ही करें जल्दी जल्दी दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 की, तो गाइस यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से प्लेइंग 11 में आते क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, कायरन पोलार्ड, कुणाल पंड्या, नेथन कुटर, लाइल, जयंत यादव, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों बात करें दिल्ली कैपिटल्स को, दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 में आते हैं मार्कस स्टोइनिस, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, सिमरन हेटमायर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, कगिसो रबाडा, परवीन दुबे, एनरिच नोटिया। दोस्तों ये रही दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 टीम। गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे स्कोर कार्ड की, तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन में स्टोइनिस पहली गेंद पे आउट हो चुके थे, बोल्ट ने पहली गेंद किया था, और क्विंटन डिकॉक ने बहुत अच्छा कैच पकड़ के पहली गेंद पे स्टोइनिस को आउट कर दिया था। दोस्तों धवन ने 15 रन की पारी खेली 13 गेंदों पर, और वही बात की अजिंक्य रहाणे की, अजिंक्य रहाणे ने 2 रन की पारी खेली 4 गेंदों पर, श्रेयस अय्यर ने दोस्तों शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, ऋषभ पंत भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली 38 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके 2 छक्के शामिल थे, और हेटमायर ने 205 रन की पारी खेली 5 गेंदों पे, एक ही चौका लगा पाए, बोल्ट ने आउट कर दिया। दोस्तों बात किया गेंदबाजी का, गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 207 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाए, 3 से ज्यादा विकेट चटकाए, और वहीं पर जयंत यादव को भी 1 विकेट मिला, 4 ओवर में 25 रन दिए, 1 विकेट चटकाया, जसप्रीत बुमराह भी अच्छे मतलब बॉलिंग किया, महंगे थोड़े कुणाल पांड्या शामिल साबित हुए 10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की, और कायरन पोलार्ड ने भी 1 ही ओवर किया जिसमें 13 रन मिले। तो गाइस ये रही पहले इनिंग की हाइलाइट्स। अब आप बात करते हैं फाइनल मतलब कि पहले इनिंग की स्कोर की, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स ने कितना रन स्कोर किया। सो गाइस बात करते हैं फाइनल स्कोर, तो गाइस यहां पे दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे 20 ओवर में 156 रन का स्कोर किया 6 विकेटों के नुकसान पे, आखिरी के 2 ओवर से उसमें बहुत कम रन आया है, तभी भी दिल्ली कैपिटल्स ने 156 रन टोटल जोड़ दिया। मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2020 का विनर बनने के लिए बस 157 रन चाहिए 20 ओवरों में। तो गाइस अब देखते हैं कि दिल्ली के मुंबई इंडियंस इस रन चेस को कंप्लीट कर पाती है कि नहीं। तो गाइस फिलहाल बस इसमें इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो थोड़ी अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन नहीं इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।